क्या आरआरआर की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए तैयार है? क्या एनटीआर को कोर्टला शिवा की फिल्म शुरू करनी होगी? एनटीआर और तमन्ना आखिर किस शो की किस्मत जानने के लिए बेताब है? बॉलीग्राफ स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आज की होस्ट और आपकी दोस्त सिमरन ग्रोवर। जुलाई हुआ अजय देवगन की अपकमिंग मूवी आरआरआर की कुछ मजेदार बातें। राजमौली एक बार फिर अपनी महान कृति आरआरआर की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। टीम ने पहले घोषणा की थी कि पिकअप शॉट्स को छोड़कर शूटिंग पूरी हो चुकी है। उन्होंने एनटीआर और राम चरण का फिल्म में अंतिम शॉट पूरा करने के बाद स्टूडियो से बाहर निकलते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। अपनी कंप्लीटनेस के लिए जाने जाते वाले मास्टर निर्देशक किसी भी चीज के लिए समझौता नहीं करेंगे। एनटीआर और राम चरण को फिर से शूट में शामिल होना होगा। राजमौली ने इस अंतिम भाग को अगले सप्ताह समाप्त करने का प्लान बनाया है। रामचरण और एनटीआर अपनी दाढ़ी मूछ फिल्म में फ्लॉन्ट करते दिखेंगे और राजमौली के कहने के बाद ही वे दूसरे रूप में बदलेंगे। रामचरण पहले ही इस महीने के अंत में निर्देशक शंकर की अगली फिल्म की शूटिंग में शामिल होने के लिए कमिटेड हैं। दूसरी ओर एनटीआर को कोर्टला शिवा के साथ भी एक फिल्म शुरू करनी होगी। वह इवारू नीलो केटा श्रुलु जो की तेलुगु केबीसी है को भी होस्ट कर सकते हैं। आरआरआर के 2022 में स्क्रीन पर आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि एनटीआर ने हाल ही में जेमिनी टीवी के इवारू मीरो केटा शुरुलु के साथ होस्ट के रूप में टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी की। अभिनेत्री तमन्ना ने टीवी पर होस्ट के रूप में अपनी शुरुआत मास्टर शेफ इंडिया तेलुगु नामक कुकिंग शो से की जो कि जेमिनी टीवी पर भी प्रसारित होता है। ऐसे ही कई दिग्गज तेलुगु सितारे फिल्मों के साथ समय समय पर अपनी उपस्थिति सैटेलाइट चैनल्स पर बनाए रखते हैं ताकि दोनों ग्रुप्स के व्यूअर्स में उनका मार्केट बना रहे। एनटीआर बिग बॉस तेलुगु के पहले सीजन में टीवी होस्ट के रूप में पहले ही साबित हो चुके थे, लेकिन तमन्ना के लिए ये एक बड़ा टेस्ट था। जी हाँ दोस्तों, तमन्ना पर फैसला आना बाकी है। इन दोनों शो की रेटिंग इसी शुक्रवार को सामने आएगी। एनटीआर और तमन्ना अपने शोज की किस्मत जानने के लिए बेताब है। जेमिनी टीवी एनटीआर और रामचरण के ईएएम के एपिसोड के लिए लगभग 12 से 15 टीवीआर की उम्मीद कर रहा है। तमन्ना का शो सोशल मीडिया पर धूम मचाने में नाकाम रहा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि कितनी रेटिंग हासिल कर पाती है। शो के लिए एनटीआर को करीब 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, तमन्ना को भी शो के लिए एक बड़ा चेक मिला है। खैर, आप आरआरआर को देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।